तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। भाई साहब टाइगर थ्री के लिए जो हाइप चल रही है, टाइगर थ्री के लिए जो वेट चल रहा है लोगों का, जबरदस्त तरीके से चल रहा है। क्योंकि मूवी को रिलीज होने के लिए मात्र 17 से 18 दिन बचे हैं और जनता मूवी के लिए, जो मैं फैंस कह रहा हूँ, फैंस मूवी के लिए इतना बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जबरदस्त तरीके से इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि देखा जाए सलमान खान की प्रीवियस कुछ मूवीज इतना नाम नहीं कमा पाई। उम्मीद थी किसी का भाई किसी की जान ज़्यादा कलेक्शन करके लाएगी, लेकिन वो 100 करोड़ में ही सिमट कर रह गई। उसके पीछे अगर राधे फिल्म देख लें, उसके पीछे दबंग का एक सिक्वल आया था लास्ट पार्ट, वो देख लें, तो ये सारी मूवीज, अंतिम मूवी आई तो ये सारी मूवी सलमान खान की कोई चली नहीं थी। लेकिन टाइगर थ्री के लिए भाई बहुत होप है, बहुत ज़्यादा हाइप है इसकी, और ये ज़बरदस्त कलेक्शन करेगी भी। बहुत बड़ी मूवी है, बहुत बड़ा कंटेंट है। टाइगर सीरीज़ का जो सिक्वल का जो ये लास्ट पार्ट आने वाला है, मतलब लास्ट नहीं कहूँगा, थर्ड पार्ट आने वाला है, ये जो बहुत दमदार आने वाला है। क्योंकि इसमें वायरफ भी ज़बरदस्त तरीके से बूस्ट कर रहा है, वायरफ भी पूरी जी जान लगा के इस मूवी को इतना अच्छा प्रमोशन दे रहे हैं, बहुत अच्छा प्रमोशन दे रहे हैं, काफ़ी अच्छा पैसा खर्च कर रहे हैं और एक्टिव भी बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन एक बात मैं बताऊँ आपको कि एडवांस बुकिंग के मामले में थोड़ा सा ये स्लो चल रहे हैं ओवरसीज़ में। अभी तक जहाँ तक बहुत सारे देशों में इन्हें ओपनिंग शुरू कर देनी चाहिए थी, लाइक लियो का अगर हम प्रीवियस सेशन उठा के देखें तो अभी तक ये बहुत से देशों में एक्टिव हो चुके थे, यूरोप की बहुत सी कंट्रीज में एक्टिव हो चुके थे, लेकिन ये लोग ओवरसीज़ में अभी इतना एक्टिव नहीं हुए हैं। और इस टाइम तक आते आते 20 या फिर 22 दिन पहले तक लियो मूवी के मेकर्स ने इंडिया में एक्टिव होना शुरू हो गए थे। इंडिया में भी कुछ एक जगह ओपन, अच्छी खासी ओपनिंग इन्होंने शुरू कर दी थी। कुछ एक जो बड़े बड़े थिएटर्स होते हैं जिन पे छोटी से लेकर बड़ी मूवी सारी मूवी चलती हैं, उन्हें थिएटर्स में ओपनिंग शुरू कर दी थी। लेकिन वही मैं कह रहा हूँ, एडवांस बुकिंग ओपनिंग के मामले में ये थोड़ा सा लेट चल रहे हैं। तो अभी सब बताऊँगा कि एडवांस बुकिंग में क्या हाल चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। लेकिन उससे पहले नर्सों जो सॉन्ग रिलीज हुआ था, लेके प्रभु का नाम, भाई ये दमदार था, उसके बारे में एक बार बात कर ले, तो उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। 31 मिलियन व्यूज ये क्रॉसओवर कर चुका है और 1.1 मिलियन लाइक्स इस गाने को मिल चुके हैं, प्लस 78,000 प्लस इसको कमेंट्स मिल चुके हैं। तो देखा जाए तो शुरुआत में ही बहुत अच्छा हाइप है, क्योंकि देखो सॉन्ग्स को इतना ज़्यादा स्टार्टिंग में रिस्पॉन्स नहीं मिलता। सॉन्ग्स क्या होता है कि ये धीरे 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 आगे चलते रहते हैं, धीरे धीरे हर दिन मतलब थोड़े थोड़े इस पे व्यूज आते रहते हैं। बट टीजर ट्रेलर में क्या होता है कि एकदम से हाइप आगे निकलती है, एकदम से पीक जाता है, देन डाउन हो जाता है, क्योंकि ट्रेलर टीजर को पहले 2 से 3 दिन के अंदर ही लोग देख लेते हैं। सॉन्ग्स क्या है कि ये लाइफ टाइम चलने वाला है, आगे चलते रहेगा, लेकिन अभी देखो 3-4 दिन के अंदर ही अंदर इस गाने ने 31 मिलियन व्यूज क्रॉसओवर कर लिए हैं, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और गाना है भी दमदार, ज़बरदस्त है, पार्टी सॉन्ग है, और मुझे तो खैर बहुत टच करा था, लोगों को भी बहुत ज़्यादा टच करा होगा। बुक माई शो इंटरेस्ट पे एक बार नज़र डाल दें तो बुक माई शो इंटरेस्ट 2,19,000 है। वैसे लियो के टाइम पर ये अभी तक 300 या 400 हज़ार हो चुका था, मतलब 4 या 5 लाख हो चुका था, लेकिन अभी टाइगर थ्री के लिए बहुत ज़्यादा हाइप डाउन दिख रही है, उतना ज़्यादा नहीं लग रहा है, क्योंकि 17-18 दिन ही बचे हैं मूवी को आने के लिए। और लियो का क्या था कि 1 मिलियन 10 लाख का बुक माई शो इंटरेस्ट ये पार कर चुके थे, बट अभी टाइगर थ्री को 2,19,000 ही मिले हैं, तो मैं उम्मीद करूँगा और भी ज़्यादा आगे बढ़ जाए। एडवांस बुकिंग की बात करें ओवरसीज़ में, यूके, यूएसए, यूएई और ऑस्ट्रेलिया में अच्छा खासे तरीके से ओपनिंग स्टार्ट कर दी गई है, जिसमें सबसे बेटर रिस्पॉन्स देखने को मिला है यूएई से, क्योंकि यूएई में शाहरुख खान और सलमान खान की सॉलिड फैन फॉलोइंग है। लेकिन यूएसए से भी अच्छा खासा रिस्पॉन्स हमें देखने को मिल जाता तो मज़ा आ जाता। यूएई से कुछ ना कुछ छोटे मोटे स्क्रीनशॉट्स आ रहे हैं, अभी प्रॉपर ऑफिशियल डेटा नहीं आया है, जो भी आ रहा है बहुत माइनर सी स्टेट में आ रहा है, तो अभी स्केल छोटा है, तो उसी हिसाब से स्केल पे इनकी ओपनिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। इंडिया में भी कुछ एक जगह ओपन हुआ है, इतना ज़्यादा नहीं हुआ है, कुछ एक जगह हुआ है बहुत माइनर सी स्केल पे, लेकिन ऑफिशियली ये सुनने में आ रहा है कि 5 नवंबर के बाद से ओपनिंग स्टार्ट हो जाएगी इंडिया में, एडवांस बुकिंग ओपनिंग स्टार्ट हो जाएगी, और 7 नवंबर तक आते आते इंडिया में प्रॉपर एडवांस बुकिंग ओपन हो जाएगी। तो वैसे मैं तो मूवी के लिए काफ़ी इंतज़ार कर रहा हूँ, और ओपनिंग जैसे ही स्टार्ट होती है मैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो बुक करूँगा। आप लोगों की क्या राय है, आप लोग क्या करेंगे, फर्स्ट डे फर्स्ट शो बुक करेंगे या नहीं करेंगे, जो भी आपकी राय है, और इस मूवी के लिए कितना वेट है आप लोगों को, और ये मूवी कितना ज़्यादा कलेक्शन इस बार कर सकती है, सलमान खान कितना ज़्यादा कलेक्शन कर सकते हैं, क्या टाइगर जिंदा है, रिकॉर्ड तोड़ देंगे, 1,000 करोड़ टच कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, जो भी आपकी राय है नीचे कमेंट से जरूर बता के जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।